नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर सिटी मैरिज गार्डन में बाहरी लोगों के मिलने की सूचना पर सागर पुलिस ने की सर्चिंग। कमलनाथ की सभा में भाग लेने जबलपुर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता यहां ठहरे थे। पुलिस सभी की जांच पड़ताल में जुटी। कांग्रेसियों ने प्रशासन पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बिलहरा में सीएम की सभा में शामिल होने आए जबलपुर के कांग्रेसियों से पुलिस ने पूछताछ की। तिली रोड स्थित सिटी गार्डन में रुके दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पुलिस ने पूछताछ कर उनके दस्तावेजों की जांच की। पुलिस का कहना है कि मैरिज गार्डन संचालक और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को यहां आने और रुकवाने की किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी। आचार संहिता के चलते संदिग्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछताछ की जा रही है। सुबह से ही सिटी मैरिज गार्डन में गोपालगंज पुलिस के साथ सीएसपी, एमपी प्रजापति, नायब तहसीलदार व अन्य लोग भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्येक कांग्रेस से उनकी गाड़ियां व दस्तावेज भी चेक किए। युवा कांग्रेस के जबलपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष पारस जैन ने बताया कि पुलिस और प्रशासन जानबूझकर उन्हें परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। गार्डन में लोगों को काफी संख्या में लोगों के रुकने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो यहाँ आके चेक किया गया। सिटी में रिज गार्डन जो है रुकने का स्थान नहीं है, पर लोग यहाँ ठहरे थे और जानकारी ली गई जो जबलपुर से आकर ठहरे थे, तो उनको संदिग्धता के संबंध में चेकिंग की गई है और ये सूचना नहीं दी गई।